नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है महावीर मोटिवेशन नो में। दोस्तों, मृत्यु इस संसार का एक ऐसा सत्य है जिससे हर एक व्यक्ति को डर तो लगता ही है, लेकिन इसके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हर एक व्यक्ति बिना मौत को गले लगाए यह जानना चाहता है कि आखिर मृत्यु आने पर मनुष्य को कैसा कैसा महसूस होता है और उन्हें इस दौरान कैसा एहसास होता है। तो अगर आपके मन में भी मृत्यु से जुड़ी कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताने वाले हैं कि अंतिम समय पर आखिर क्या क्या दिखाई देता है, तो आइए हम सब मिलकर जानते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद का उल्लेख देखने को मिलता है। इस गरुड़ पुराण में उन संकेतों और अनुभव के बारे में भी विस्तार पूर्वक से बताया गया है जो मृत्यु मुख पर लेटा यानी मृत्यु के अंतिम समय पर हर एक मनुष्य इसे अनुभव करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कई महीने पहले ही मनुष्य को अनुभव होने लगता है कि अब वह इस मृत्युलोक को छोड़कर जाने वाला है। यही कारण है कि वह अपने बातों ही बातों में अपने परिजनों को संकेत देने की कोशिश भी करता है, लेकिन अज्ञानता के कारण परिजन उसकी बातें समझ नहीं पाते। और तो और, मृत्यु के आने से पहले मनुष्य का शरीर ठीक तरीके से काम करना बंद कर देता है। जब मृत्यु का अंतिम समय आ जाता है तब उस व्यक्ति की जीभ लड़खड़ाने लगती है और उसे स्वाद आना बंद हो जाता है। इसके अलावा उसे बोलने में भी काफी कष्ट का सामना भी करना पड़ता है। और मित्रों, यही नहीं, मौत अगर नजदीक हो तो व्यक्ति को सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश दिखना भी बंद हो जाता है। साथ ही अगर मृत्यु कुछ दिनों की दूरी पर हो तो उस व्यक्ति को कई बार यमदूत भी नजर आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है जो हर समय उसे परेशान कर रहा है, लेकिन यमदूतों की परछाई उसे नजर नहीं आता। और दोस्तों, यही कारण है कि मृत्यु के अंतिम समय पर व्यक्ति अपने आसपास खड़े लोगों से भी डरने लगता है और जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो जिस किसी मनुष्य की मृत्यु निकट होती है तो उसे अपना परछाई दिखना भी बंद हो जाता है। साथ ही मरने के 24 घंटे पहले व्यक्ति को आईने में अपना चेहरा भी दिखाई देना बंद हो जाता है। यहाँ तक कि उसे पानी या तेल में भी अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। अक्सर लोग मृत्यु से पहले रोते हैं या फिर किसी बात पर बेचैन और भावुक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मृत्यु आने से पहले व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए सारे अच्छे कार्य और बुरे कार्य याद आने लगते हैं। सर्वप्रथम उसे अपना बचपन याद आने लगता है, फिर नौकरी, विवाह और अपना परिवार, बच्चे, वह सब कुछ याद आने लगता है जिसमें उसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। जब कोई व्यक्ति अंतिम समय में यह सब चीजें सोचता है तो उसे एहसास होता है कि वह जिन चीजों के पीछे जीवन भर भागता रहा वह केवल सांसारिक मोहमाया था और इन्हें पाने के चक्कर में वह कभी परमात्मा का नाम ले ही नहीं पाया। यह सोच सोच कर अंतिम समय में भावुक हो जाता है और अपने द्वारा किए गए कर्मों के लिए परमात्मा से माफी मांगने लगता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मरने से पहले व्यक्ति के शरीर से एक अजीब तरह की बदबू आने लगती है, साथ ही उसके शरीर में कोई संवेदना भी नहीं बचते। उस समय व्यक्ति को सुख दुख दर्द इन सब का कोई भी ज्ञान नहीं रहता, वह केवल सिद्धि शरीर के तरह हो जाता है। यह वही समय होता है जब मनुष्य का शरीर साथ छोड़ देता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बार बार उसे भूतकाल के बारे में सोचने को मजबूर करता रहता है जहां उसने कई तरह के अच्छे और बुरे कर्म किए होते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में इस बात का भी विस्तार पूर्वक उल्लेख देखने को मिलता है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में केवल बुरे कार्य ही किए हैं
उन्हें अपने अंतिम समय में कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे उसके आसपास बैठे हुए लोग भी दिखाई नहीं देते, और इस दौरान अगर वह व्यक्ति गलती से भी आईना देख लेता है तो उसे अपना चेहरा काफी विकृत दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए होते हैं, राम के नाम लिए होते हैं, दान पुण्य जैसे सत्कर्म किए होते हैं, उन्हें मृत्यु के समय एक दृश्य प्रकाश दिखाई देता है, और ऐसे लोगों को मृत्यु के समय कोई भी कष्ट नहीं होता और यह सीधे भगवान के चरणों में चले जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, इन सब के साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य संसार के मोह माया में फंस जाते हैं, उन्हें मृत्यु के समय काफी ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि ऐसे लोग अपने परिवार, धन, परिजन और अपने शरीर का त्याग नहीं करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी इस संसार में भोग करने के लिए बहुत चीजें हैं, जिन्हें छोड़कर वह नहीं जाना चाहते। और जब यमदूत उस आत्मा को लेने आते हैं, तब वह आसानी से अपना शरीर नहीं त्यागते, जिसके बाद यमदूतों को अपना ज्यादा शक्ति लगाना पड़ता है और आत्मा को जबरदस्ती निकालना पड़ता है। इस दौरान उस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट होते हैं और फिर उन्हें यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां उनके पाप और पुण्य का हिसाब विस्तार पूर्वक से किया जाता है और फिर उन्हें उसी हिसाब से सजा दी जाती है, जैसा उनका कर्म होता है। इसलिए मित्रों, हम अंत में यही कहेंगे कि आप हमेशा सत्य कर्म कीजिए और पुण्य के भागीदार बने, ताकि आपको मृत्यु के बाद अच्छा फल मिल सके। तो मित्रों, आज आपने जाना कि मृत्यु के अंतिम समय में व्यक्ति को क्या क्या दिखाई देते हैं और कैसा अनुभव होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।